आज की इस वीडियो में जानिए कि अगर मुगल भारत नहीं आते तो कैसा होता हिंदुस्तान। 16वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया के कुछ कबीले खैबर दर्रे को पार कर एक नई जगह अपनी नई दुनिया बसाने के मकसद से पहुंचे। वो शख्स के जिसकी रगों में चंगेज खान और तैमूर जैसे योद्धाओं का खून था, बाबर और उसकी आने वाली नस्लों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया और लगभग 300 सालों तक हिंदुस्तान पर शासन किया। हमारे देश पर मुगल शासन के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव पड़े। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन नहीं हुआ होता तो आज हमारे देश की तस्वीर कैसी होती? अगर नहीं तो चलिए हम आपको आज की वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, ग्रीन लाइफ फैक्ट्स पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि हमारा मकसद किसी भी इंसान, धर्म या समुदाय को नीचा दिखाना या फिर अपने देश की छवि को ख़राब करना हरगिज नहीं है। इसलिए दिल पर बिना लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके भी बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि शुरुआत में मुगल भी दूसरे विदेशी शासक तुगलक, तैमूर और लोदी की तरह हिंदुस्तान में लूट के इरादे से आए थे, लेकिन यहाँ की समृद्धि और खुशहाली देखकर उनका मन बदल गया। वो यही बसकर शासन करने लगे। मुगल हिंदुस्तानी रंग में कुछ इस तरह से ढले कि वो हमेशा के लिए यही के होके रह गए। यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाजों में योगदान देने लगे। आमतौर पर हमारे जहन में जहाँ मुगल शासकों में औरंगजेब की एक उन्मादी शासक हिंदू विरोधी की छवि है, तो वही अकबर की एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट की। उनके बारे में कही गई कुछ बातें सही है, लेकिन इनके अलावा भी मुगलों के शासनकाल के कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मुगल शब्द फारसी जबान से आता है, जिसे मंगोलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति थी जिसके नाम पर आज के मंगोलिया देश का नाम पड़ा। हिंदुस्तान में आने वाले मुगल चंगेज खान और तैमूर लंग के वंशज थे। हिंदुस्तान पर 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगलों का शासन रहा। मुगल साम्राज्य में आज के समय का हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सारा इलाका शामिल था। 1526 में मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और फिर समय के साथ साथ इस साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं और फिर अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराया और यह सिलसिला मुगल शासक औरंगजेब तक चलता रहा। जिस समय हिंदुस्तान में मुगल शासन की नींव रखी गई, उस समय हमारा देश कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सभी रियासतों के राजा अपनी प्रजा को तो खुशहाल रखते, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में ही लड़ते रहते, और इसी का फायदा मुगलों ने उठाया। यानी यह कहा जा सकता है कि बाहरी लोग जिस मुल्क को हिंदुस्तान समझते थे, हकीकत में वो कई भागों में बटा हुआ था, जिसे मुगलों ने एकीकृत कर हिंदुस्तान बनाया। इस हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का देश हरगिज नहीं था, जो हम आजकल समझते हैं। दरअसल सिंधु नदी को फारसी में हिंदू कहते थे और इस नदी के उस पार के इलाके को वहाँ के लोग हिंद कहते थे। इसी हिंद से हिंदुस्तान बना। पर यह बात भी सच है कि एक हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तानियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसकी वजह ये थी कि मुगल सभी रियासतों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, जिसके तहत उन्होंने कितने ही निर्दोष लोगों को मार डाला और कितनों को बेघर कर दिया। कितनी ही राजपूत वीरांगनाओं को जौहर की अग्नि में अपने प्राण देने पड़े। और समय के साथ साथ मुगलों का खौफ इतना बढ़ता गया कि अपनी वीरता के लिए जाने जाने वाले कई राजपूत राजाओं ने बिना युद्ध के ही अपने राज्यों को मुगलों के अधीन कर दिया। मुगलों ने भी राजपूत रियासतों के साथ संध्या की, राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और हिंदुओं को भी प्रशासन में जगह दी। आमेर के कछवाहा राजपूत हमेशा मुगलों के प्रशासन में उच्च पदों पर काबिज रहे। इतना सब करने के बाद भी इतिहासकारों की माने तो मुगल हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे, जिसे उन्होंने अपने दिल से अपनाया था। और यही वजह थी कि दूसरे विरोधी आक्रमणकारियों को ध्यान में रखकर मुगलों ने हिंदुस्तान को सबसे पहले तो एक किया और फिर इसकी ताकत बढ़ाने का काम किया। ऐसे में ये माना जा सकता है कि अगर मुगल भारत न आए होते तो शायद आज भी हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में बटा होता। इतनी विविधता, इतनी भाषाएं होने के बावजूद कई करोड़ लोगों और 4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को एक सूत्र में बांधना आसान काम तो नहीं। 16 और 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य दुनिया का अमीर और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था।
उस समय पूरे विश्व का एक चौथाई धन सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ करता था। हालांकि 10वीं सदी से पहले ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, लेकिन इस अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत कम थी। वो मुगल शासन के दौरान ही था जब भारत 20.9 GDP ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ा। मुगलों ने व्यापार बढ़ाने के लिए सड़कें बनवाई, नदियों में जहाज चलवाए और तटों पर बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण भी करवाया। इतिहासकारों की माने तो उस समय मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर होने के कई कारण थे, जिसमें से मुख्य था मुगल शासन द्वारा लिया जाने वाला टैक्स। मुगल शासन काल में किसानों से कृषि कर लिया जाता था, पानी के लिए भी लोगों को कर देना पड़ता था। इतना ही नहीं, उस दौरान धर्म के आधार पर भी कई तरह के टैक्स लिए जाते थे। हिंदुओं को जजिया कर यानी पूजा करने के लिए भी कर देना पड़ता था, जिस कारण मुगलों को हिंदू विरोधी भी माना जाता था। हालांकि मुगल शासक अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान इस कर को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, अकबर ने सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर एक नए धर्म दीन इलाही की स्थापना भी की। अकबर की इसी धर्म निरपेक्षता के कारण अकबर बाकी मुगल शासकों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। अकबर से उलट कई ऐसे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने जबरन हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। कुछ कट्टर इस्लामी मुगल शासकों ने हिंदुओं के दिमाग में ऐसी विभत्स तस्वीर छाप दी जिसे मिटाने की कोशिश मुसलमान आज तक कर रहा है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि अगर मुगल हिंदुस्तान नहीं आए होते तो आज जो हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच एक दीवार से खिंची हुई है वो शायद ना होती, क्योंकि मुगलों के आने से पहले मुस्लिम हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते थे। दोस्तों, ये बात सच है कि मुगलों के शासनकाल में टैक्स की दरें बहुत ज़्यादा थी, पर यह बात भी सच है कि मुगलों ने हिंदुस्तान को आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, 15 एकड़ में फैला फतेहपुर सीकरी का महल, प्रेम का दुनिया में सबसे बड़ा प्रतीक विश्व प्रसिद्ध ताजमहल दिया, जिस पर हम आज भी गर्व महसूस करते हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान में लूट खसूट नहीं की, बल्कि इन इमारतों में पैसा लगाकर राज्य को पैसा कमाने के नए जरिए दिए जो आज तक कमाई करके दे रहे हैं। जहां ताजमहल सालाना 25 करोड़ की कमाई करता है, तो वही कुतुब मीनार से 10 करोड़, लाल किला और हुमायूं के मकबरे से 6-6 करोड़ रुपये सरकारी राजस्व में आज भी सालाना जमा होते हैं। अगर मुगल हिंदुस्तान ना आते तो हमारे देश में ये मकबरे और इनसे होने वाली कमाई भी ना होती। मुगलों ने हिंदुस्तान का फारसी वास्तुकला से परिचय करवाया, जो उससे पहले एशिया के दूसरे देशों में तो देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में नहीं। इसके अलावा मुगलों ने हिंदुस्तान में जंग के पुराने नियमों को भी बदल डाला। तोपों की रणनीति और अपने तोपों के दम पर ही बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीता था। जब मुगल शासन में थे तब हिंदुस्तान में बंदूक, तोपे और तलवार जैसे हथियारों का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ करता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि मुगल शासन के दौरान हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्माण करने वाला देश हुआ करता था, और यहाँ से ये हथियार दूसरे देशों को भी सप्लाई किए जाते थे। मुगलों ने देसी उत्पादन को खूब बढ़ावा दिया। उस समय सूती कपड़े, मसाले, नील, नमक, ऊनी और रेशमी कपड़े आदि का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन हिंदुस्तान में ही हुआ करता था, और हिंदुस्तान ही इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा निर्यातक भी हुआ करता था। उस समय प्रशासन तो मुगलों के हाथ में था, लेकिन व्यापार में हिंदू व्यापारियों का ही दबदबा था। अकबर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिनसे पश्चिम के देशों का भारत से व्यापार बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत इन्हीं व्यापारियों की शक्ल में आई थी, जिसने बाद में मुगल साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया और हिंदुस्तान पर राज किया। इस पर यह तो कहा जा सकता है कि अगर मुगल सल्तनत अंग्रेजों को मौका ना देती तो शायद वो भारत पर राज ना कर पाते, लेकिन ऐसा कहना बेमानी लगता है, क्योंकि अगर मुगल सल्तनत ना होती तो हमारा देश छोटे छोटे कई देशों में बटा होता, फिर इस पर कब्जा करना विदेशियों के लिए और आसान होता। अंग्रेजों ने मुगलों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों को लगभग ख़त्म ही कर दिया, और उसके बाद जो थोड़े बहुत लघु उद्योग बचे हुए थे उन्हें आज़ादी के बाद हमारे हुक्मरानों ने बर्बाद कर दिया। भारत की जिस प्राचीन धन दौलत की हम बात करते हैं वो दिल्ली सल्तनत या उसके बाद आए मुगलों ने नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा लूटी और विदेश भेजी। सन 1700 में अंग्रेजों से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की 24% थी। जी हाँ, 24%, जो 1952 में अंग्रेजों के जाने के वक्त सिर्फ 3.8% रह गई थी। जिस स्तर पर अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को लूटा वो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। अंग्रेज भारत की कई बहुमूल्य मुगल पेंटिंग्स, हीरे जवाहरात और शिल्प कलाएं लूट कर ले गए, जो आज हमें पश्चिमी देशों के म्यूजियम में देखने को मिलती है। इन लूटी गई चीज़ों में बेशकीमती कोहिनूर
जो आज क्वीन एलिजाबेथ के ताज में लगा है, एक उदाहरण मात्र है। जहां मुगलों ने हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, वहीं मुगलों ने हिंदुस्तान की संस्कृति में भी कई बदलाव किए। मुगलों के आने से पहले हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्सों में हिंदू संस्कृति का बोलबाला था, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान की संस्कृति में विविधता आई। इसके अलावा मुगलों ने हिंदुस्तान के लोगों को मुगले व्यंजन जैसे बिरयानी, कबाब और अखरोट, बादाम, खुमानी जैसे खाने पीने की नई चीज़ों से पहचान कराई। इन चीज़ों से हमारे देशवासियों को नए स्वाद मिले और इन्हें हम आज भी बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, मुगल आए तो बाहर से थे, लेकिन इसी मिट्टी के होकर रह गए। मुगल शासकों और हिंदुस्तानियों के बीच समरसता ही वजह बनी कि 1857 की क्रांति के वक्त विद्रोह कर रहे सिपाहियों ने बूढ़े हो चुके बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट चुना। दोस्तों, इतिहास की बेहतर समझ के लिए हमें धर्म का चश्मा उतारकर चीज़ों को समझना होगा। कौन बेहतर था और कौन बुरा, इसका फैसला आप स्वयं करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।